वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आप सबके शेयर करने वाली हूँ मीशो से एक और शॉपिंग हॉल का वीडियो, जिसमें मैं आपके साथ में ड्रेस मटेरियल एंड कुर्ता सेट का हॉल शेयर करने वाली हूँ। तो दोस्तों, अगर आप आज की वीडियो पहली बार देख रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और चैनल पे गिव अवे चल रहा है तो उसमें पार्टिसिपेट लेना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो चेकआउट करना मत भूलिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर हॉल वीडियो। तो आज, जैसे कि मैंने आपको बताया, आज मैं शेयर करने वाली हूँ मीशो से शॉपिंग हॉल का वीडियो, जिसमें मैं आपके साथ में ड्रेस मटेरियल एंड कुर्ता प्लाजो सेट शेयर करने वाली हूँ। तो दोस्तों, मैंने काफ़ी सारी चीज़ें ऑर्डर दी है, बट जो मेरे पास में डिलीवर हो रही है, जिस तरीके से डिलीवर हो रही है, मैं उसी हिसाब से आपके साथ में वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहती हूँ मीशो के बारे में कुछ बातें। तो मीशो जो है एक बहुत ही अच्छी ऐप है, जहाँ पे आपको बहुत ही कम प्राइस में चीज़ें मिल जाती है। आपको वहाँ पे ज्वेलरी, क्लोथिंग आइटम्स, किचन के चीज़ें, बहुत सारे आइटम्स आपको मिल जाएगी, जो भी एक नॉर्मल इंसान को चाहिए होता है अपनी लाइफ जीने के लिए, किचन से लेके बेडरूम से डेकोरेटिव आइटम्स, क्लोथिंग एंड एवरीथिंग आपको मिल जाएगा, ज्वेलरी वगैरह। तो दोस्तों, मेशो पे जो है लिंक्स नहीं होती है, मेशो पे जो है कोड्स होती है। तो जो भी मैं प्रोडक्ट दिखाऊंगी उसके कोड्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसको चेकआउट कर लीजिएगा। वो कोड को आप वहां में जाके डालोगे तो आपको जो है वो प्रोडक्ट मिल जाएगा। सेकेंडली, अगर आपने अभी तक मेशो पे साइन अप नहीं किया, तो अगर मेरे दिए गए साइन अप लिंक से अगर आप साइन अप करोगे तो आपके फर्स्ट ऑर्डर पे आपको 20% तक का डिस्काउंट मिलेगा, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। तो अगर आप कुछ भी परचेस करने का सोच रहे हो तो प्लीज़ मेरे दिए गए साइन अप लिंक से साइन अप करिए, ताकि आपको कुछ प्रॉफिट हो सकेगा। एंड साथ ही साथ मेरा रेफर कोड भी वहाँ पर मैंशन होगा, उसको भी आप यूज़ कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं मैंने क्या क्या परचेस करा है। तो सबसे पहले जो है एक ब्यूटीफुल सा ड्रेस मटेरियल मैंने बाय करा है, मुझे ये देखते ही बहुत ज़्यादा पसंद आ गया था। पिच कलर का ये ब्यूटीफुल सा ड्रेस मटेरियल है, एंड इसमें जो वर्क करा हुआ है वो भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो ये जो है कॉटन का पिच कलर का ड्रेस मटेरियल है, जिसमें ये ब्लैक थ्रेड से जो वर्क करा हुआ है, ये बहुत ही ज़्यादा गॉर्जियस लगता है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ इसका कुर्ता, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारा बनेगा। ये कॉटन फैब्रिक का, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का ये कुर्ता है। यहाँ पे आप देख सकते हो थ्रेड से कितना प्यारा वर्क करा गया है, पूरी कुर्ती पे आपको ये वर्क मिलेगा। एंड नीचे का जो बॉर्डर होगा वो मैं आपको दिखा दूँ, बहुत ही प्यारा सा सुंदर बॉर्डर होगा। आप देख सकते हो जो काम किया है वो बहुत ही फाइन वर्क किया हुआ है। तो बहुत ही प्यारा ये कुर्ता सेट है। यहाँ पे स्लीव्स के लिए अलग से यहाँ पे ये मटेरियल दिया गया है, बैक साइड का जो मटेरियल रहेगा प्लेन रहेगा, और ये कॉटन का सूट बनेगा। और ये जो कॉटन का सूट है, इसमें लाइनिंग वगैरह की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इसका जो मटेरियल है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, ट्रांसपेरेंट नहीं है। बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगेगा ये सूट। अगर आपको इस टाइप के सूट्स पहनना पसंद है तो डेफिनेटली आप बाय कर सकते हो, बहुत ही ब्यूटीफुल है ये। आप देख सकते हो जो वर्क है वो भी मैं आपको क्लोजअप में दिखा दूँ, बहुत ही प्यारा कॉम्बिनेशन है, वाइट ब्लैक एंड पीच कलर का, बहुत ही प्यारा कॉम्बिनेशन है। इसके साथ में आता है इसका शिफॉन का दुपट्टा, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया एंड बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो इसमें जो है बीच बीच में स्टोन के वर्क भी करे हुए हैं, तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। तो इसको चलिए मैं ओपन कर लेती हूँ सबसे पहले तो। और आप देख सकते हो ये जो बाउंड्री पे जो लेस लगी हुई है वो कितनी ज़्यादा प्यारी है। तो ये जो दुपट्टा है ये 2 से 2.5 मीटर तक का दुपट्टा आएगा, कुछ इस टाइप का, और बहुत ही ज़्यादा लाइट वेटेड दुपट्टा है। एंड पूरे दुपट्टे पे आपको जो है हल्का हल्का ब्लैक कलर का, आप देख सकते हो स्टोन्स लगे हुए हैं, एंड यहाँ पे जो लेस लगी हुई है पूरी बाउंड्री पे लगी हुई है, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारी है। शिफॉन का दुपट्टा है ये, बहुत ही प्यारा सा पिच कलर का ये सूट है, बहुत ही ब्यूटीफुल है और बहुत ही लाइट वेटेड दुपट्टा है। और इसके साथ में आता है इसका प्लाजो या फिर सलवार, जो भी आप बनवाना चाहो उसका फैब्रिक। और इसमें जो है नीचे भी काम किया गया है, तो इससे जो है आप जब बनवाओगे तो ये जो है पैटर्न नीचे आएगा। और ये जो सलवार का कपड़ा है ये कॉटन का कपड़ा आया है और काफ़ी अच्छा मटेरियल दिया गया है। तो अगर आप इससे प्लाजो स्टिच करवाते हो या फिर पटियाला सलवार स्टिच करवाते हो, तो ये जो जो आप बॉर्डर देख रहे हो ये नीचे तरफ आएगा। एंड फैब्रिक जो है काफ़ी अच्छी क्वालिटी का कॉटन का फैब्रिक है। अगर आप लेने का सोच रहे हो ये वाला ड्रेस मटेरियल, और अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ गो अहेड, बहुत ही अच्छा ड्रेस मटेरियल है, मुझे काफ़ी पसंद आया। और नेक्स्ट जो मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ, ये एक कुर्ता सेट है, जो कि मीशो पे जो है इसकी जो पिक्चर है वो काफ़ी स्टाइलिश है, काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल पिक्चर लगाई हुई है। बट मुझे काफ़ी सारे लोगों ने इस ड्रेस का रिव्यू करने को कहा था, तो इसलिए मैंने इसको बाय करा है, ये देखने के लिए कि जो पिक्चर में दिखाया गया है और जो रियलिटी है वो कैसी है। तो पिक्चर मैं यहाँ पे अटैच कर दूंगी, तो आप देख लेना पिक्चर किस टाइप की है। और जो मुझे रिसीव हुआ है वो मैं अब आपको दिखाने वाली हूँ। कलर जो है थोड़ा सा डिफरेंट है,
हल्का सा डिफरेंट है, हो सकता है फोटोग्राफी की वजह से कलर डिफरेंस आया हो। तो ये जो कुर्ती है कुछ इस टाइप की रहेगी और ये जो है रेयॉन की कुर्ती आएगी। अच्छा, पिक्चर में आपको जो है इसमें बेल स्लीव्स दिखाई देगी, बट ये जो स्लीव्स है स्ट्रेट स्लीव्स है और वो भी छोटी स्लीव्स है, यहाँ तक आएगी। ज़्यादा से ज़्यादा ये स्लीव्स बेल स्लीव्स नहीं दी गई है। फ्रंट स्लिट कुर्ता है ये, कुछ इस टाइप का रहेगा ये कुर्ता। फ्रंट स्लिट है, नीचे में यहाँ पे बॉर्डर पे एम्ब्रॉयडरी करी हुई है, बैक साइड में कोई एम्ब्रॉयडरी नहीं है, फ्रंट साइड में जो है एम्ब्रॉयडरी करी हुई है। बट जो पिक्चर में जो दिखाया गया है, जो फोटो में दिखाया गया है, उसमें जो बेल स्लीव्स दी गई है, जो लुक है इसका, वो जितना पिक्चर में अच्छा लग रहा है उतना रियल में नहीं है। इसका ओके ओके टाइप है बट पिक्चर को मैच नहीं करता। अगर आप पिक्चर को देख के इस ड्रेस को बाय कर रहे हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि उतनी एक्सपेक्टेशन मत रखिए। तो ये जो है कुछ इस टाइप का ड्रेस आएगा, पहनने पर काफ़ी कंफर्टेबल है, इसकी फिटिंग भी काफ़ी अच्छी है, बट पिक्चर से थोड़ा डिफरेंट है ये ड्रेस। तो ये इसका कुर्ता है और इसके साथ में आता है इसका प्लाजो, जो कि रेयॉन एंड कॉटन का फैब्रिक का ही है। तो प्लाजो जो है कुछ इस टाइप का आएगा एंड इसमें जो है नीचे तरफ एम्ब्रॉयडरी करी हुई है, जो कि आपको कुर्ती के बॉर्डर पे मिलेगी, वही एम्ब्रॉयडरी आपको यहाँ पे भी मिलेगी, ये आप देख सकते हो। और बॉर्डर दिया गया है, बॉर्डर जो है काफ़ी अच्छा है और इसका फैब्रिक भी काफ़ी अच्छा है और पहनने में जो फिटिंग है वो भी काफ़ी अच्छी है, बट पिक्चर से ये जो चीज़ जो आपको डिलीवर होती है वो डिफरेंट आती है। तो अगर आप लेने का सोच रहे हो तो प्लीज़ इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद में लीजिए। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट कुर्ता सेट जो मैंने लिया है, और ये बहुत ही अफोर्डेबल कुर्ता सेट है और बहुत ही प्यारा लगा मुझे, डेली वेयर के लिए बहुत ही अच्छा है। तो ये जो है ऑरेंज एंड ब्लू कलर का कॉम्बिनेशन में है, तो यहाँ पे ये ऑरेंज कलर का कुछ इस टाइप का कुर्ता आएगा, प्रिंटेड कुर्ता रहेगा ये, स्ट्रेट प्रिंटेड कुर्ता रहेगा विथ 3/4 यहाँ पे स्लीव्स रहेगी और सेम प्रिंट बैक साइड पे भी रहेगा। और ये रेयॉन का कुर्ता है, एल साइज में मैंने ये लिया है और बहुत ही ज़्यादा कम्फर्टेबल कुर्ता है ये और बहुत ही ज़्यादा प्यारा भी लगता है, कलर भी अच्छा है, पैटर्न भी अच्छा है और डेली यूज़ के लिए या फिर ऑफिस वगैरह के लिए परफेक्ट कुर्ता सेट है अगर आप लेना चाहते हो तो। और इसके साथ में जो इसका प्लाजो आता है वो नेवी ब्लू कलर का है, बट कुछ इस टाइप का प्रिंटेड प्लाजो रहेगा। प्लाजो का जो फ्लेयर है ओके ओके टाइप दिया गया है, ना ज़्यादा है ना कम है, बट काफ़ी अच्छा क्वालिटी का ये प्लाजो है। रेयॉन एंड कॉटन ब्लेंड फैब्रिक का ये प्लाजो आएगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्यारा है और पहनने में बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। डेली यूज़ के लिए, ऑफिस वगैरह के लिए अगर आप लेना चाहते हो तो डेफिनेटली आप बाय कर सकते हो, काफ़ी अच्छा ऑप्शन है ये अफोर्डेबल प्राइस में। तो नेक्स्ट जो मैंने लिया है, ये भी मैंने एक ड्रेस मटेरियल लिया है और ये भी कॉटन का ड्रेस मटेरियल है। तो सबसे पहले बात करेंगे इसके कुर्ते की, तो ये जो कुर्ता है ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा येलो कलर का कुर्ता आएगा एंड कुछ इस टाइप का ये कुर्ता रहेगा, बहुत ही प्यारा इसमें वर्क करा हुआ है, थ्रेड वर्क करा हुआ है, बहुत ही ब्यूटीफुल सा आप देख सकते हो। और पूरी कुर्ती में जो है आपको थ्रेड वर्क मिलेगा, पूरी की पूरी कुर्ती में यहाँ पे आपका नेक बनेगा और ये जो है कुछ इस टाइप का पैटर्न रहेगा और बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल फैब्रिक है। येलो कलर का ये कुर्ता सेट आएगा, कॉटन का कुर्ता सेट है ये और बैक साइड से बिल्कुल प्लेन रहेगा और बहुत ही ज़्यादा प्यारा कलर है इसका, बहुत ही अच्छा फैब्रिक है, क्वालिटी जो है बहुत ही अच्छी है। फेस्टिवल वगैरह के लिए अगर आप लेना चाहते हो तो डेफिनेटली आप बाय कर सकते हो, बहुत ही प्यारा कुर्ता सेट है ये। और यहाँ पे स्लीव्स के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा दिया गया जिससे आप अपनी स्लीव्स बनवा सकते हो। तो ये येलो कलर का बहुत ही प्रिटी ड्रेस मटेरियल है, जो कि ज़्यादा महंगा नहीं है, अफोर्डेबल प्राइस में है। इसके साथ में इसका जो है कॉटन का सलवार का फैब्रिक आता है, इसके सलवार के फैब्रिक में भी जो नीचे में जो है बॉर्डर दिया गया जिससे आप अगर अपना प्लाजो वगैरह स्टिच करवाते हो तो आप ये बॉर्डर को नीचे यूज़ कर सकते हो। तो काफ़ी अच्छी ये बात लगी मुझे, तो थोड़ा हैवी सूट बनेगा आपका, बहुत ही प्यारा सा हैवी सा सूट बन जाएगा। और कॉटन का जो इसका फैब्रिक है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का है, आप इसको आराम से बाय कर सकते हो बिना किसी डाउट के। इसके साथ में आता है इसका जॉर्जेट, या जॉर्जेट ही लग रहा है मुझे। तो ये जो है जॉर्जेट का दुपट्टा आएगा कुछ इस टाइप का और इसमें जो है मल्टी कलर के यहाँ पे जो है धागे लगाए गए हैं और पूरे दुपट्टे पे जो है गोल्डन स्टोन लगाए गए हैं प्यारे से, जो कि अटैच है दुपट्टे में। बहुत ही प्यारा दुपट्टा है, सॉफ्ट दुपट्टा है, बहुत ही अच्छा कलर है इस दुपट्टे का आप देख सकते हो। और ये जो कलरफुल ये धागे लगाए गए हैं बहुत ही प्रिटी लग रहे हैं। अगर आप अफोर्डेबल प्राइस में कोई अच्छा सा ड्रेस मटेरियल स्टिच करवाना चाहते हो, खरीदना चाहते हो, तो डेफिनेटली आप इस ड्रेस मटेरियल को बाय कर सकते हो, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के ड्रेस मटेरियल हैं। जो कुर्ता सेट है उनके बारे में जो भी जो सही बात थी मैंने वो आपको बताई। तो दोस्तों अगर आपको ये इसमें से कुछ भी बाय करना हो तो प्लीज़ मीशो के कोड्स को चेकआउट कर लीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं कुर्ता सेट का लुकबुक।
If you like my today's video, then do subscribe to my channel, like my video, share my video, and don't forget to comment me कि आपको वाला video कैसा लगा. तो दोस्तों, till then, bye bye, see you in my next video.